यह कहानी है एक ऐसे संघर्ष की जो बिल्कुल अविश्वसनीय सी लगती है। यह कहानी है एक ऐसी जिद की जिसके सामने बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी हार मान जाती हैं। यह कहानी है एक सपने को सच कर दिखाने की जो हर किसी के बस की बात नहीं लगती। यह कहानी है एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को गाबा के मैदान पर नाको चने चबवा दिए, जिसने 6 रणजी मैचों में 26 विकेट चटकाने के लिए मात्र 27 रन खर्च किए। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने स्कूल टूर्नामेंट के मैच में 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के जमाए, जो धोनी, रोहित, कोहली सबका फेवरेट ऑल राउंडर है। यह कहानी है अपनी बैटिंग और बॉलिंग स्टाइल की वजह से प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर की। इस कहानी की शुरुआत होती है महानगरी मुंबई से 87 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर पालघर से। आज इस छोटे से शहर से निकलकर शार्दुल ठाकुर दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। शार्दुल ठाकुर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है, वह भारतीय टीम के प्रमुख गेंदबाजों में से एक है। शार्दुल का जन्म मुंबई में हुआ और वहीं पले बढ़े। उन्होंने अपनी क्रिकेट की शुरुआत मुंबई की घरेलू टीम से की। ठाकुर आईपीएल में खेलते हैं और 2015 से इन्होंने आईपीएल खेलना प्रारंभ किया। आईपीएल के प्रारंभ में इन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब और सीएसके की टीम से खेलना शुरू किया था, लेकिन वर्तमान में वह कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से खेलते हैं। शार्दुल का जन्म 16 अक्टूबर 1991 को पालघर, महाराष्ट्र में हुआ। इनके पिता का नाम नरेंद्र ठाकुर, माता का नाम हंसा ठाकुर है। शार्दुल ने हाल ही में अपनी प्रेमिका मिताली पारुलकर से सगाई कर ली है। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आनंद आश्रम कॉन्वेंट इंग्लिश हाई स्कूल से पूरी की। स्नातक की शिक्षा इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से प्राप्त की। शार्दुल को बचपन से क्रिकेट का शौक था। वे अपने स्कूल समय से क्रिकेट खेला करते थे। स्कूल में क्रिकेट खेलने के दौरान इन्होंने एक बार 6 गेंदों में 6 छक्के लगाकर सबको हैरान कर दिया था। शार्दुल बचपन से ही प्रतिभा के धनी थे। अगर इनके घरेलू क्रिकेट की बात करें तो ये मुंबई की घरेलू टीम से खेलते हैं। इन्होंने अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट की शुरुआत नवंबर 2012 में राजस्थान के जयपुर स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम से की थी। इनके क्रिकेट करियर का प्रारंभिक दौर कुछ खास अच्छा नहीं रहा। इन्होंने पहले 4 मैचों में 82.0 की और से गेंदबाजी करते हुए मात्र 4 विकेट लिए। वर्ष 2012 से 13 में शार्दुल ने रणजी ट्रॉफी में 26.25 की औसत से 6 टेस्ट मैचों में 27 विकेट झटके, जिसमें उन्होंने एक बार एक पारी में 5 विकेट भी लिए थे। 2013 से 14 में रणजी ट्रॉफी में इन्होंने 20.81 की औसत से गेंदबाजी करते हुए 10 मैचों में 48 विकेट लिए थे। शार्दुल ने अपने इस बेहतरीन प्रदर्शन को बनाए रखा और वर्ष 2015 से 16 में रणजी ट्रॉफी के फाइनल मैच में सौराष्ट्र की टीम के खिलाफ 8 विकेट लेने में सफलता हासिल की और मुंबई को जीत दिलाने में अपनी अहम भूमिका प्रदान की। शार्दुल को वर्ष 2016 में भारतीय क्रिकेट टीम के वेस्टइंडीज दौरे के लिए 16 सदस्य टीम में चयनित किया गया था। दुर्भाग्यवश इन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद वर्ष 2017 में इनका चयन भारतीय क्रिकेट टीम में श्रीलंका दौरे के लिए किया गया, यहां भी इन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद भी शार्दुल ने मेहनत करना नहीं छोड़ा और डटे रहे। अंततः वह दिन आ ही गया जिसका हर क्रिकेट खिलाड़ी को इंतजार होता है। शार्दुल का चयन भारतीय टीम में हो गया और श्रीलंका के खिलाफ उन्हें एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का मौका 31 अगस्त 2017 में मिला। इसके अलावा इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू 12 अक्टूबर 2018 को वेस्टइंडीज के खिलाफ किया था। शार्दुल अब तक टेस्ट मैच भारत के लिए खेल चुके हैं जिसमें उन्होंने 14 विकेट अब तक लिए हैं। इसके अलावा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की बात करें तो अब तक शार्दुल ने 15 मैचों में 22 विकेट अपने नाम किए हैं। शार्दुल ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत वर्ष 2015 में की थी। उन्हें किंग्स इलेवन पंजाब ने 20 लाख के बेस प्राइस पर खरीदा था। ठाकुर ने आईपीएल का अपना पहला मैच दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ खेला था जिसमें उन्होंने 4 ओवर में 38 रन देकर 1 विकेट लिया था। 2017 में इन्होंने आईपीएल में आई नई टीम राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के साथ जुड़ गए। वर्तमान में शार्दुल महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स से आईपीएल खेलते हैं और चेन्नई की टीम के प्रमुख गेंदबाज है। शार्दुल ने अपने आईपीएल के अब तक के करियर में 61 मैच खेलकर 279 की औसत से 67 विकेट लिए हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही रोचक वीडियो लगातार मिलती रहें।